हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की वीडियो में हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जाती मान को निकालना सीखेंगे। स्थानीय मान क्या होता है और जाती मान क्या होता है, आइए देखते हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब होता है स्थान, तो जो स्थान है वो बदलते रहते हैं। और फेस वैल्यू, फेस कभी बदलता नहीं है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि 754 का स्थानीय मान बताइए, अभी हम स्थानीय मान की चर्चा करेंगे। तो अगर हम ये, चूंकि इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान है, वंस, टेंस और हंड्रेड, तो इकाई के स्थान पर हमेशा चार लिखेंगे। अब दहाई चूंकि दस के स्थान पर है, तो इसको लिखा जाता है 5×10। और ये सैकड़ा है, तो इसको लिखा जाता है 7×100। ये इकाई के स्थान पर है तो चार, ये दहाई के स्थान पर है तो 5×10 कर दिया। दहाई मीन्स होता है 10, सैकड़ा मीन्स होता है 100, तो 7 के स्थान पर अपन ने 100 कर दिया। तो अगर चार का स्थानीय मान कोई पूछे तो चार निकल आएगा, 5 × 5×10 यानी 50 निकल आएगा, और 7 का कितना, 700 निकल आएगा। अगर हम इन तीनों को जोड़े तो वापस वही संख्या अपन को मिल जाएगी। इस तरीके से ये स्थानीय मान होता है, चार का स्थानीय मान 4, 5 का 50 और 7 का 700। ये एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, 2532। तो सिंपल है, 2 का स्थानीय मान 2, 3 का 30, 5 का 500 और 2 का 2000। अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 3 के बाद 1 संख्या है, 3 के बाद 1, तो यहाँ 1 जीरो लग जाएगा, 30। 5 के बाद 2 संख्याएं हैं तो 5 के बाद यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे। 2 के बाद 1, 2, 3 संख्याएं हैं तो 2 के बाद यहाँ 3 जीरो लग जाएंगे। इस तरीके से स्थानीय मान निकलता है, फिर इनको जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद वापस यही संख्या आ जाती है। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो बदले नहीं, जो वही रहता है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो अगर कोई पूछे कि 754 में फेस वैल्यू बताइए 4 की, तो 4 आ जाएगी। कोई पूछे 5 की फेस वैल्यू यानी जाति मान बताइए, तो 5 आ जाएगा। 7 का जाति मान 7 आ जाएगा। जाति मान कभी 700 या 50 ऐसे नहीं आएगा, वो अकेले ही रहता है। 7 का 7, 5 का 5, 4 का 4। यहाँ 2 का जाति मान 2, 3 का जाति मान 3, 5 का जाति मान 5 और 2 का जाति मान 2 ही रहेगा। स्थानीय मान बदलता है, जाति मान कभी बदलता नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।